सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको ग्राफिंग पे अपने शब्द कैसे लिखने हैं, जैसे आज मैं आपको लिखना सिखाऊंगा हैप्पी दिवाली। मैंने आपको ग्राफिंग की बहुत सारी वीडियो पहले बताई थी, जिसमें मैंने ए बी से लेकर जेड तक और अ से लेकर ज्ञ तक के अक्षर लिखने सिखाए थे। तो सिर्फ खाली अपने अक्षर लिखने सिखाए थे, आज मैं उसका शब्द कैसे आपने लिखना है वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने एक ड्राइंग बोर्ड लेकर के, या आपकी जो ड्राइंग फाइल है वो लेकर के, उसकी सतह पे नरम कागज, जैसे मैंने यहाँ अखबार रखा हुआ है, इससे लगा करके ऊपर आपने शीट रख देनी है। शीट के बाहर हमने यहाँ पे यहाँ से आधे सेंटीमीटर, उसके बाद फिर आधा सेंटीमीटर, या आधा आधे सेंटीमीटर का हाशिया लगा लीजिए, या एक एक सेंटीमीटर का भी आप हाशिया लगा सकते हैं। इससे जो ये हमारा बॉर्डर रहेगा, इसमें हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं और ये बड़ा सुंदर हमारा बॉर्डर इस तरह से दिखता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने लिखना है हैप्पी दिवाली, मैं आपको लिखना सिखाऊंगा अभी। तो हमने एक रफ पेपर लेना है और हमने लिखना है एच ए डबल पी वाई हैप्पी दिवाली। हमें पता है होना चाहिए कि हमारे अक्षर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो अक्षर की जो ऊंचाई हमारी है वो है 5 सेंटीमीटर और ये इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमारी हाइट में तो अक्षर 5 सेंटीमीटर का रहेगा, लेंथ हमें जो पता होनी चाहिए, तो लेंथ हमेशा हर अक्षर की जो है हमारी होती है 3/5 सेंटीमीटर की। जैसे ये हमारा है 3 सेंटीमीटर का बनेगा, ये भी 3 का 3, 3 और 3, इनके बीच में दो तरह का जो स्पेस होता है, एक मैकेनिकल स्पेस होता है, एक ऑप्टिकल स्पेस होता है। मैकेनिकल स्पेस होता है बराबर, जैसे अक्षर अगर 1 सेंटीमीटर का बनेगा तो आगे स्पेस भी 1-1 सेंटीमीटर करेगा। ऑप्टिकल स्पेस होता है जिसको हमने एडजस्ट करना होता है, जैसे हम इसके बीच में यदि 2-2 mm भी छोड़ सकते हैं, यदि हमारे पास अक्षर बड़े हैं और कागज छोटा पड़ रहा है, तो हम 2-2 mm छोड़, बेशक हमारा जो एच है वो 3/5 में बनता है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, 3/5 सेंटीमीटर है, बट अगर हमने स्पेस छोटा करना है तो हम 2 mm का भी स्पेस रख सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम अभी मैकेनिकल स्पेस से मैं आपको अभी लिखना सिखाऊंगा। तो इसके बीच में भी 1-1 सेंटीमीटर हमने ये छोड़ना है। तो अब हमने क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 15, 16, 17, 18 और 1 19, तो ये हमारा बन जाता है 19 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हमने इसी तरह से करना है, ये 3 i हमारा 1 में बनेगा, W हमारा 5 में बनेगा, A 3 में, L 3 में और I फिर 1 में। अब बीच में इनमें स्पेस रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने इनको जोड़ना है, तो 3 × 4 = 5, 6 × 5 = 11, 12 × 3 = 15, 16, 16 × 3 = 19, 20 × 1 = 21। इस तरह से अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने जोड़ देना है। आप कुछ भी लिख दीजिए, बी हैप्पी लिखना है, कुछ भी आपने लिखना है इस तरह के अक्षर को, तो आपने सबसे पहले इस तरह से इसको बांट देना है कि हमारे पास कितना स्पेस टोटल इसमें लगना है। जैसे हैप्पी लिखने के लिए 19 सेंटीमीटर लगना है और दिवाली लिखने के लिए 21 सेंटीमीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, पेपर का अंदर मान हमने देखना है और हाइट मैंने आपको बताई थी कि हमारी 5-5 सेंटीमीटर की, 2 लाइनें हमने लिखनी है, तो 2 लाइनों के हिसाब से हमारे को चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पे काट देंगे, ये हमारा है। अब बची हुई शीट के हम 3 भाग भी कर सकते हैं और 5 भाग भी कर सकते हैं। वो कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, यदि हम 3 भाग करते हैं तो हमने 1 भाग ऊपर छोड़ना है, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 1 भाग, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 1 भाग, 3 भाग हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। यदि हम इसके 5 भाग करते हैं तो हमने 2 सेंटीमीटर 2 भाग ऊपर छोड़ने, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 1 भाग, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 2 भाग। हम सिंपली अभी इसके 3 भाग करते हैं, तो जैसे ये हमारे पास लगभग 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये स्केल की तरह बिल्कुल एक्यूरेट की ज़रूरत नहीं है इसकी, थोड़ा बहुत 1 mm ऊपर नीचे हो सकता है। हम इसमें छोड़ेंगे 2.5, जो है 7.5 था तो 2.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। उसके बाद हम छोड़ेंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर, फिर हम 2.5, ये हमारा स्पेस है और ये हमारा फिर 5 है। तो हमारी जो लाइन है वो एक ये लाइन बनेगी, एक ये लाइन बनेगी इस साइड से भी, इसी तरह से पहले 2.5 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ से 5, ये हमारा लाइन बनेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने छोड़ना है
कॉन्स्टेंट। अब हमने ये लाइनें लगा देनी है, हमने पूरा ग्राफ नहीं बनाना है जैसे मैंने आपको ग्राफिंग में सिखाया था, तो हमने सिर्फ ग्राफ उतना ही बनाना है जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे हम जल्दी से जल्दी पेपर में, यदि हम लिखते जैसे इस बार पेपर में आया था बी हैप्पी लिखने के लिए सेवन्थ क्लास एट्थ क्लास के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी दिवाली नज़दीक आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हैप्पी दिवाली लिखना सिखाऊँ, और मैं अभी आपको हैप्पी दिवाली सिंपल लिखना सिखा रहा हूँ। आप उसको राउंड में भी ऐसे लिख सकते हैं, पर मैं अभी सीधा लाइन में आपको पहले लिखना सिखाऊंगा, राउंड में बाद में सिखाऊंगा। अब आपको पता है कि हमने जब मेजरमेंट की थी तो हैप्पी के लिए हमें चाहिए था 19 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से हमने 19 सेंटीमीटर काट देना है क्योंकि तो अंदर मान आना है हमारा। अब जो शीट बच गई है इसके हमने बराबर दो भाग करने हैं। अब देख सकते हैं जैसे 4.5 हमारे पास बचा है, तो हमने इसको छोड़ना है यहाँ से 2.25 यहाँ से, तो 2 सेंटीमीटर और 2.5 mm हम यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने काटना है 19 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं। इसके बीच में हमने लिखना है हैप्पी। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये हमने छोड़ दिया है 2.2 और यहाँ हम छोड़ेंगे 19 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारा है इसके बीच में हमने जो है अब यहाँ हम लिखेंगे हैप्पी। अब दिवाली की भी मेजरमेंट पहले कर लेते हैं, 21 सेंटीमीटर हमने छोड़ना है, तो ये हमारा 21 सेंटीमीटर है और इसके बीच हमने जो है वो दो भाग करने बची हुई शीट के, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.4, तो 2 सेंटीमीटर और 4 mm, तो 1.2 हमने छोड़ना है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर और 2 mm। आपकी शीट बड़ी भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है, तो आपने उसके हिसाब से जो है मेजरमेंट करनी, मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर ठीक है, तो एक भाग हमारी इधर बच गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी 1.2 और यहाँ से फिर 21 सेंटीमीटर, ये आप देखना आपने बिल्कुल हमारा ये बीच में बनेगा, जो हमारा पेज है जो भी हम अक्षर लिखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल इसके बीच में आ जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे जितना यहाँ पे ये बढ़ रहा है उतना यहाँ बढ़ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हम आप चाहो तो ये जो लाइन है हमारी इसको हम मिटा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसमें ग्राफ बनाने के लिए हमें 1-1 सेंटीमीटर में निशान लगाना पड़ेगा। इसी तरह से नीचे भी हम इसमें 1-1 सेंटीमीटर निशान लगा देंगे। हम इनको ऊपर नीचे लाइनों को साथ साथ मिलाएंगे ताकि हमें फालतू लाइन नहीं मिलानी पड़े। इस तरह से और इधर को भी 1-1 सेंटीमीटर हम निशान लगा देंगे। हम इन लाइनों को मिला देंगे, बहुत हल्का हम इनको मिलाएंगे, परमानेंट लाइनें हमें नहीं चाहिए।
हमने क्या लिखना है पहले हैप्पी, तो एच हमने लिखना है, तो यहां से ये लाइन हमने डार्क कर दी है। ये जो लाइन हमने लगानी है दो खाने तक डार्क लगेगी, दो खाने तक ऊपर, यहाँ बीच में खाली रहेगी, तभी मैंने पहले नहीं लगाई थी ताकि हमें जो रबड़ का प्रयोग हो कम करना पड़े। देख सकते हैं आप, ये हमारा तीसरा आ जाएगा, ये देखिए, और ये हमारा एच जो है वो बन गया है। इस तरह से अब हमने लिखनी है ए। ए के लिए हमने क्या करना होता है, यहाँ पे अब लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो एक दो तीन, मैंने लिखा नहीं है, जीरो एक दो तीन। मैं चाहता हूँ कि हमें अगर जो हो कम इस पे रबड़ चलानी पड़े, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, और ए मैंने आपको बताई है ग्राफिक में, आप जाके देख सकते हैं, और यहाँ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये हमारी ए जो है वो बन गई है। डबल पी हमने लिखना है, तो पी के लिए ये लाइन पूरी हम घेर देंगे यहाँ से, और यहाँ हमने दो, यहाँ पे एक, इस तरह से, और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, इस तरह से, और यहाँ पे ये है जीरो एक दो तीन, मैं नहीं बना रहा हूँ, इस तरह से, और यहाँ पे एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने दो लाइनें, यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे इस तरह से, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ पे इसी तरह से दो लाइनें, एक खाली छोड़ देंगे, एक क्रॉस कर देंगे, खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से, बड़ी जल्दी आपका जो है वो बन जाता है इस तरह से, और हमारी जो शीट है वो भी ख़राब नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं, अब हमें यहाँ लिखना है Y, तो Y के लिए लास्ट ये दोनों हम डार्क कर देंगे, यहाँ पे सेंट्रल वाली लाइन हम डार्क कर देंगे, और ये जो हमारा है इसको हमने क्रॉस मिलाना होता है एक्चुअल में, तो यहाँ से हमने इस लाइन को मिलाना है हल्का, बिल्कुल हल्का ऐसे, और यहाँ से इसको बहुत हल्का ऐसे, ज़्यादा लंबी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो यहाँ से ये यहीं तक हमारा आना है, यहाँ पे हम इसको निशान लगा देंगे, और ये जो लाइन हमारी आएगी ये हमारी यहाँ तक इस तरह से आएगी, कि यहाँ जब हम इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ हमारा मिल जाएगा, ये लाइन हमारी यहाँ पर मिल जाएगी, और इसको हम यहाँ से डार्क कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया है हैप्पी, इस तरह से बड़ी जल्दी बन गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे दिवाली। दिवाली के लिए डी हमने बनानी है, तो तीन में बनेगी, तो ये हमारी पूरी लाइन आ जाएगी, ये है जीरो एक दो तीन, ये जो हमारी लाइन आएगी ये सिर्फ ये तीन लाइनों के बीच में आएगी, और ये भी हमारी ऐसे आएगी, ये भी हमारी इसी तरह से आ जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे और इस तरह से, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमें इसको राउंड शेप दे देनी है, ये डी आई, तो सिंपल है इस तरह से। अब यहाँ पे ये लाइन डार्क हो जाएगी, यहाँ पे ये डार्क हो जाएगी। W हमने लिखना है, तो W पाँच में हमारा आता है, जीरो एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से, तो W के लिए ऊपर हमने जीरो से एक, दो से तीन, और चार से
पांच, ये लाइन खाने डार्क कर देने। अब ऊपर जो खाने हमारे छूट गए हैं ये हमने नीचे डार्क कर देने, ये एक से दो और तीन से चार इस तरह से। और अब हमने इनको तिरछा जो है वो मिला देना है, ये लाइन में डार्क में ये हम हल्की मिलाएंगे ऊपर से नीचे, यानी नीचे यहाँ नहीं है और यहाँ पे भी इसी तरह से, और यहाँ पे हमने इसको हल्का हल्का ऐसे मिलाना है। यहाँ पे हमने ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पे ऐसे डार्क मिला देंगे, और यहाँ पे हमने इसको नीचे हल्का मिलाना है, ऊपर हम इसको नहीं ले जाएंगे। यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ तक ये डार्क आनी है, ऊपर हम नहीं ले जाएंगे इसको, और यहाँ पे हमने ये लाइन बढ़ा देनी है यहाँ से इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमारी बन जाएगी ये हमारा W जो है वो बन गया है। अब हमारी आनी है A, A मैंने आपको यहाँ बता रखी है, फिर मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ इसको 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे ए लाइन हमारी डार्क हो जाएगी और इनके साथ ए लाइन हमारी डार्क हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं अब हमारा जाएगा एल, एल हमारा बड़ा सिंपल है से, और ये हमारा आएगा यहाँ तक, ये हमारा यहाँ लाइन आनी, ऊपर हमारी लाइन ये नहीं आएगी यहाँ पे लाइन आ जाएगी और यहाँ पे हमारी लाइन इसमें आ जाएगी। आई हमारा बहुत ही सिंपल है, इस तरह से लास्ट लाइन हमारी है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और फालतू लाइनें हैं वो मैं इसमें से मिटा देता हूँ। इस तरह से आप ग्राफिंग से हैप्पी दिवाली बना सकते हैं। अब आप जो मर्जी चाहे इसमें माध्यम से रंग करना चाहे कर सकते हैं, आप वाटर कलर कर सकते हैं, आप पोस्टर कलर कर सकते हैं, आप मोमी कलर कर सकते हैं, आप शेडिंग भी कर सकते हैं। जिस भी कलर मेथड से आप इसमें हैप्पी दिवाली लिखना चाहे अब आप लिख सकते हैं, इसको आप किसी भी कलर माध्यम से बना सकते हैं। ग्राफिंग से इस तरह से आपने इसको सुंदर ढंग से बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।